17वां कैन फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। 17 मई को शुरू हुआ ये इवेंट 28 मई को खत्म होगा। हमारा किसी भी इवेंट से जुड़ा एक ही सवाल रहता है, इसमें इंडिया कहाँ है? जवाब है, इस कैन फिल्म फेस्टिवल 2022 में इंडिया की कोई भी फिल्म कम्पीट नहीं कर रही है, मगर 6 इंडियन फिल्में वहां दिखाई जाने वाली हैं, जिनमें से अधिकतर फिल्मों को मार्च टू फिल्म्स यानी फिल्म मार्केट में प्रदर्शित किया जाना है। दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण को कैन फिल्म फेस्टिवल ऑस्कर ज्यूरी में जगह दी गई है। इस ज्यूरी के प्रेसिडेंट फ्रेंच एक्टर विंसेंट लंडन है। कैन फिल्म फेस्टिवल को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवलों में गिना जाता है। पिछले साल यहाँ जापानीज फिल्म ड्राइव माई कार का प्रीमियर हुआ था। वो फिल्म फेस्टिवल के सबसे बड़े अवार्ड यानी पाम दोर के लिए कम्पीट कर रही थी। ये अवार्ड तो फिल्म नहीं जीत पाई, मगर इस फेस्टिवल से वो बेस्ट स्क्रीन प्ले के अवार्ड के साथ लौटी। इस फेस्टिवल के बाद ड्राइव माई कार की चर्चा शुरू हुई। नतीजतन ऑस्कर 2022 में इसे 4 नॉमिनेशंस मिले। इस फिल्म ने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का ऑस्कर जीता। आज हम आपको कैन फिल्म फेस्ट में प्रदर्शित की जाने वाली उन 8 देसी और विदेशी फिल्मों के बारे में बताते हैं जिन पर रहेगी खास नजर। आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री का मार्च टू फिल्म यानी फिल्म मार्केट में 19 मई को वर्ल्ड प्रीमियर किया गया। ये कैन के मेन इवेंट से अलग होता है, इसे फिल्म मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया भर की कंपनियां आती हैं, जो फिल्में उन्हें ठीक लगती हैं वो उन्हें अपने देश या दुनिया के अन्य हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चुन लेती हैं। रॉकेट्री नाम्बी नारायण नाम के इसरो साइंटिस्ट की एरोस्पेस इंजीनियर की असल कहानी पर बेस्ड है, जिन पर देश के डिफेंस सीक्रेट लीक करने और बेचने के आरोप लगे थे। इस मामले में उन्हें 50 दिन जेल में गुजारने पड़े। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषमुक्त करार दिया। रॉकेट्री में माधवन ने लीड रोल करने के साथ साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया है। फिल्म के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और तमिल वर्जन में सूर्या गेस्ट रोल में नजर आएंगे। इंडिया में ये फिल्म 1 जुलाई 2022 को रिलीज होनी है। क्राइम्स ऑफ फ्यूचर 23 मई को कैन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर की गई। ये फिल्म पाम दोर के लिए कम्पीट कर रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डेविड क्रोनेनबर्ग ने। डेविड ने 1970 में क्राइम्स ऑफ फ्यूचर नाम की साइलेंट फिल्म बनाई थी। बाद में उस फिल्म के बैकग्राउंड में कमेंट्री डाली गई। क्रोनेनबर्ग ने उसी नाम से दोबारा फिल्म बनाई, मगर ये 1970 वाली फिल्म का रीमेक या सीक्वल नहीं है। इसे बॉडी हॉरर जॉनर की फिल्म बताया जा रहा है। फ्यूचर में घटने वाली ये फिल्म सोसाइटी में बदलाव की वजह से इंसानी शरीर में नए अंगों के उग आने के बारे में बात करती है। इस फिल्म में विगो मार्टेंसन, लिया सिडू और क्रिस्टन स्टीवर्ट ने लीड रोल्स किए हैं। ये फिल्म 3 जून को अमेरिका में रिलीज होगी। मैडमैक्स जैसी धुआंधार फिल्म सीरीज डायरेक्ट करने वाले जॉर्ज मिलर इस बार कैन में 3000 ईयर्स ऑफ लॉन्गिंग के साथ लौटे हैं। ये फिल्म द जिन इन द नाइटिंगल्स आई नाम की शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है। ये एक जिन की कहानी है जो एक महिला को 3 विशेष मांगने का ऑफर देता है। इसे रोमांटिक फिल्म बताया जा रहा है जिसमें फैंटेसी का पुट होगा। 3000 ईयर्स ऑफ लॉन्गिंग में लूथर फेम इड्रिस एल्बा जिन का रोल करेंगे। उस स्कॉलर के रोल में टिल्डा स्विंटन, जिन्हें जिन ने 3 विशेष दिए हैं। 20 मई को ये फिल्म कैन में प्रदर्शित की गई, जहां इसे 6 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। जॉर्ज मिलर इससे पहले 2015 में मैड मैक्स फ्यूरी रोड के साथ कैन आए थे। 3000 ईयर्स ऑफ लॉन्गिंग 31 अगस्त 2022 की रिलीज के लिए शेड्यूल है। दामक घर फेम अचल मिश्रा की नई फिल्म का नाम है धुइन। इसे भी फिल्म मार्केट में प्रीमियर किया जाना है। ये मैथिली भाषा की फिल्म है। धुइन का अर्थ हुआ धुंध। ये दरभंगा में रहने वाले पंकज नाम के लड़के की कहानी है, जो मुंबई जाकर फिल्मों में काम करना चाहता है। पंकज त्रिपाठी सक्सेस स्टोरी बनना चाहता है। उस लड़के के स्ट्रगल की कहानी नहीं है, उस लड़के की कहानी है जो सफलता और असफलता जैसे आयामों के परे है। इस फिल्म में अभिनव झा ने लीड रोल किया है। अचल मिश्रा की पिछली फिल्म गामक घर में भी अभिनव ने ही मुख्य किरदार निभाया था। आर्मागेडन टाइम को 19 मई को कैन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया। ये फिल्म 20 अन्य फिल्मों के साथ इस फेस्टिवल के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड पाम दोर के लिए कम्पीट कर रही है। आर्मागेडन टाइम को जेम्स ग्रे ने डायरेक्ट किया है। जेम्स अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके बचपन की कहानी है। उनकी फैमिली न्यूयॉर्क के क्वींस में रहती थी और अमेरिका बदल रहा था। ये रिपेटा नाम के यहूदी बच्चे की कहानी है, जिसका दाखिला पब्लिक से हटाकर एक प्राइवेट स्कूल में करवा दिया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात वेब नाम के एक बच्चे से होती है, जो उसे नैतिक उधेड़बुन में डाल देता है।
आर्मागेडन टाइम में एंथनी हॉपकिंस, एन हैथवे और जेरेमी स्ट्रॉन्ग ने लीड रोल्स किए हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट अभी तक तय नहीं हुई है। द ग्रेट गैट्सबी और मॉलन रोग जैसी फिल्में बना चुके बाज लर्मन ने पॉप स्टार एल्विस प्रेस्ली की बायोपिक बनाई है। एल्विस फेस्टिवल के किसी कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, बस 25 मई को इसका वर्ल्ड प्रीमियर किया जाना है। ये फिल्म एल्विस प्रेस्ली के जीवन और करियर पर बात करेगी, मगर इसका मेन फोकस एल्विस और उनके मैनेजर रहे कर्नल टॉम पार्कर के आपसी संबंध पर रहेगा। फिल्म में एल्विस का रोल ऑस्टिन बटलर कर रहे हैं, जिन्हें टेरेंटिनो की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में देखा गया था। कर्नल टॉम पार्कर का किरदार टॉम हैंक्स निभा रहे हैं। एल्विस 22 जून को दुनिया भर में रिलीज होने वाली है। द हैंडमेडन बनाने वाले पार्क चान-वूक की नई फिल्म डिसीजन टू लीव कैन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर की जाएगी। ये फिल्म पामदोर के लिए कम्पीट कर रही है। 6 साल बाद पार्क चान-वूक की फिल्म आ रही है। ये वजह अपने आप में इस फिल्म को चर्चा में बनाए रखने के लिए काफी है। ये साउथ कोरियन फिल्म एक डिटेक्टिव की कहानी दिखाती है, जिसे एक विधवा से प्रेम हो जाता है, मगर मामला तब जटिल हो जाता है जब डिटेक्टिव के केस में वो महिला मुख्य आरोपी बन जाती है। ये फिल्म 23 मई को प्रदर्शित की जा चुकी है। डिसीजन टू लीव 29 जून को कोरिया समेत दुनिया के अन्य हिस्सों में रिलीज की जाएगी। 17 अगस्त 2021 को फिल्ममेकर और एक्टर निशिकांत कामत की डेथ हो गई थी। वो 50 साल के थे और लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उनके गुजरने के कुछ समय बाद एक्टर जितेंद्र जोशी ने फिल्ममेकर निखिल महाजन को फोन मिलाया। तय हुआ कि निशिकांत कामत को ट्रिब्यून देने के लिए एक फिल्म बनाई जाएगी, क्योंकि निशिकांत को निखिल और जितेंद्र दोनों ही अपना मेंटर मानते थे। यहीं से फिल्म गोदावरी का आइडिया जन्मा, जो कि जीवन और मृत्यु के मसले पर बात करती है। इस फिल्म की कहानी नासिक में गोदावरी नदी के किनारे रहने वाली देशमुख फैमिली के बारे में है। ये फैमिली दो नज़दीक रिश्तेदारों की मौत से जूझ रही है। दूसरी तरफ इस घर का मुखिया निशिकांत अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। वो अपनी नाकामयाबी का ठीकरा दूसरे लोगों और चीज़ों पर फोड़ता है। इन्हीं कुछ चीज़ों में से एक ही उसके घर के बाहर बहने वाली गोदावरी नदी है। गोदावरी में जितेंद्र जोशी, नीना कुलकर्णी और मोहन गोखले ने लीड रोल्स किए हैं। इनके अलावा इंडिया की तरफ से शंकर श्रीकुमार की अल्फा बीटा गामा, विश्वजीत बोरा की बूम्बा राइड और जयराज की ट्री फुल ऑफ पैरट्स भी कैन में आयोजित हो रही फिल्म मार्केट में प्रदर्शित की जाएंगी। इस बार फिल्म मार्केट में इंडिया को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है, यानी इंडियन फिल्मों पर खास फोकस रहेगा। आपके लिए लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूँ हर्षदा, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।